चलिए भाई, तो आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स के बारे में बता देते हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जितने भी बैटल्स मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इम्पोर्टेंट बैटल रिफॉर्म्स, इसमें मैं सिर्फ बैटल के बारे में बता दूंगा यानी जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनके बारे में बता दूंगा। उसके बाद वाले सेशंस में जो होगा वो मैं सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जितने हुए, जितने रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हाइडेस्पिच का युद्ध ले लेते हैं, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व हुआ था हाइडेस्पिच का युद्ध, जो कि सिकंदर और पोरस के और राजा पोरस के बीच हुआ था झेलम नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, झेलम नदी के किनारे हुआ था आपका जो है कि बैटल ऑफ हाइडेस्पिच 326 ईसा पूर्व पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ग्रीक की विजय हुई थी यानी अलेक्जेंडर की विजय हुई थी यानी सिकंदर की विजय हुई थी। इसके बाद ध्यान रखिएगा, सिकंदर की डेथ बेबोलिनिया में हो गई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्वर के कारण यानी तबीयत खराब होने के कारण, बुखार के कारण। आगे बढ़ते हैं, सेलेसिड मौर्य वार, सेलेसिड मौर्य युद्ध देखिए, ध्यान रखिएगा। सेलुकस निकेटर जो कि सिकंदर का जो सेनापति था उसके बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई थी। इसी के बाद इसकी बेटी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था। और सेलेकस निकेटर का ही जो है जो राजदूत था वो था मेगस्थनीज। ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका। ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, इंडिका किसने लिखी थी, तो मेगस्थनीज ने ही लिखी थी। ठीक है, प्लस इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखिएगा, घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी, प्लस सेलुकस निकेटर को हरा करके उसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह भी किया था। प्लस आपका जो पूछा जाएगा कि मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका। मेगस्थनीज किसका राजदूत था, किसका एम्बेसडर था, तो वो सेलुकस निकेटर का ही था। ठीक है, और इंडस रिवर वैली के पास ये हुआ था, और 305 से 303 ईस्वी के पूर्व, 305 से 303 ईस्वी के समय पे हुआ था। आपको जो पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा कि सेलेसिड मौर्यन वार किसके बीच हुआ, तो वो सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ, जिसमें आपको मेगस्थनीज के बारे में भी पूछा जा सकता है या चाणक्य के बारे में पूछा जा सकता है, जिनको कि जिनकी किताब अर्थशास्त्र आपको पूछी जा सकती है, जो कि राजनीतिक संबंधों पर बेस थी। ठीक है, अर्थशास्त्र आपको पूछे जा सकते हैं, जिनको आप चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिस भी नाम से पुकारे आप जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि दूसरा युद्ध पूछा जाएगा 1192 में, जिसमें गौरी जीता था, सेम जगह पे हुआ था, तरावरी हरियाणा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वो भी पृथ्वीराज चौहान और जो है कि मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। जबकि तराइन का तीसरा युद्ध पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, थर्ड वॉर पूछा जाएगा, थर्ड बैटल पूछा जाएगा तराइन का, पूछा जाता है कभी कभी, तो वो हो जाएगा आपका 1215 में, किसके किसके बीच हुआ था, तो वो इल्तुतमिश, नोट डाउन कर लीजिएगा, इल्तुतमिश और कबूचा और यिल्दिज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश, कबूचा और यिल्दिज के बीच हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, एक नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर ने जीता था, किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। वहीं लोदी वंश से देखिए क्वेश्चन और बन सकता है, पूछा जा सकता है कि आगरा की स्थापना किसने कराई थी, तो पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1504 में कराई गई थी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने 1526 में मुगल काल की स्थापना करी थी, जो कि पानीपत में हुआ था। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन। बाबर, बाबर का फादर अगर पूछा जाएगा तो उमर शेख मिर्जा, ये भी पूछा जाता है आपको कि बाबर के फादर का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा उमर शेख मिर्जा, एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। पहली बार आगरा में दफनाया गया, दूसरी बार काबुल में दफनाया गया 6 महीने बाद। ध्यान रखिएगा, आगरा के 6 महीने बाद काबुल में दूसरी बार दफनाया गया किसको, तो वो हो जाएगा बाबर को। बैटल ऑफ खानवा पूछा जाएगा, तो खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। पहले युद्ध में कलंदर की उपाधि मिली थी बाबर को, और दूसरे युद्ध में गाजी की उपाधि मिली थी, जो कि पूछा जा सकता है। तो 1526 में पानीपत का, 1527 में हो गया आपका खानवा का युद्ध, 1528 में पूछा जाएगा तो चंदेरी का युद्ध, नोट डाउन कर लीजिएगा, चंदेरी का युद्ध हुआ था, वो किसके साथ हुआ था, तो मेदनी राय के साथ। ध्यान रखिएगा, मेदनी राय। वहीं अगर चंदावर का युद्ध अगर आपको पूछा जाता है, तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। जबकि चंदेरी पूछा जाएगा तो बाबर और मेदनी राय के बीच। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, बाबर और महमूद लोधी के बीच में, आपका अफगानों के बीच में, जो कि पूछा जा सकता है आपका, एक नंबर का क्वेश्चन। और उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जबकि बिलग्राम पूछा जाएगा आपको, पूछा जाता है, तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, वो भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। दोनों बार शेरशाह की ही जीत हुई थी, किसकी जीत हुई थी, दोनों बार शेरशाह की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा, जिसने जीटी रोड बनवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा पूछा जाएगा तो 1565 में हुआ था। विजयनगर जिसमें हार गया था, विजयनगर और दक्कन साम्राज्य के बीच ही हुआ था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कहाँ पे हुआ था? तालीकोटा कर्नाटका में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच, जिसमें मानसिंह ने नेतृत्व किया था अकबर की सेना का, मुगल की जीत हुई थी इसमें। राजस्थान के राजसमंदर जिले में हुआ था 1576 में, पूछा जाता है हल्दी घाटी, पूछा जाता है आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा 1576 में। सामूगढ़ का युद्ध तो पूछा जाएगा 1658 में, प्लस अगर सामूगढ़ के अलावा धर्मत का युद्ध तो पूछा जाएगा तो धर्मत का युद्ध भी 1658 में हुआ था। दोनों जो है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था और दोनों औरंगजेब ने ही जीता था, उसके बाद औरंगजेब को शासक बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। करनाल की लड़ाई अगर पूछा जाएगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुई थी, जिसमें फारसी विजय नादिर शाह की जीत हुई थी 1747 में करनाल हरियाणा में। बैटल ऑफ कोलेचल पूछा जाएगा तो 1741 में हुआ था, कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु में, जिसमें त्रावणकोर की जीत हुई थी, पूछा जा सकता है किसके किसके बीच हुआ था। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पूछा जाएगा यानी पहला कर्नाटक युद्ध पूछा जाएगा तो वो अनकार्नायक था यानी कंक्लूड नहीं हुआ वो, ठीक है, अंग्रेज और फ्रेंच सेना के बीच हुआ था, भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच 1746-1748, नहीं पूछा जाएगा फिर भी ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी वेरी इंपॉर्टेंट 1757 में हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। और वहीं अगर पूछा जाएगा कि जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, ये जो हुआ था आपका वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। वहीं जो अगर पूछा जाएगा आपको कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो हेक्टर मुंडो और मीर कासिम के बीच हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ हुआ था जिसमें ब्रिटिश की विजय हुई थी और उन्हीं के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रेंच फोर्स के बीच हुआ था इंडिया में, 1757 से 1763 तक चला था, ये नहीं पूछा जाएगा। वांडीवास आपको पूछा जा सकता है, वांडीवास का युद्ध जो तीसरे कर्नाटक युद्ध का भाग था 1760 में, ब्रिटिश विजय अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध, जबकि 1759 में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वेधरा का युद्ध हुआ था, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि किसके किसके बीच हुआ था, डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा डच और अंग्रेजों के बीच वेधरा का युद्ध हुआ था जो कि 1759 में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, पूछा जा सकता है, मूवीज भी बनी है। बक्सर देखिए 1764 मैंने बताया आपको, मीर कासिम और हुआ था आपका जो है कि ब्रिटिश जो है आपका गवर्नर था हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध तो वो आपका सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, क्लाइव को ध्यान रखिएगा इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है, पूछा जाता है आपको। एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ पूछा जाएगा तो 1767 से 1769 हुआ था आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर की हैदर अली के बीच, जिसमें मैसूर की जीत हुई थी। सेकेंड एंग्लो वार में जो है मैंगलोर की संधि हुई थी, 1780 से 1784 तक चला था, 1784 मैंगलोर की संधि पूछा जा सकता है, 1782 सालवाई की संधि हो जाएगी वो भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1782 सालवाई की संधि, 1784 मैंगलोर की संधि। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर दक्षिण भारत साउथ इंडिया में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की सदी 1790 से 1792 तक चला था, ध्यान रखिएगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ भी हुई थी, कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की डेथ किस युद्ध में हुई थी तो वो हुआ था आपका चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, मराठा विजय पुणे में 1775 से 1782 में। सेकेंड एंग्लो मराठा वार पूछा जाएगा, ब्रिटिश विजय हुई थी 1803 से 1805 में, नहीं पूछा जाएगा। थर्ड एंग्लो मराठा वार पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में हुआ था, ब्रिटिश विजय हुई थी मराठा के खिलाफ अंग्रेज 1817 से 1818 तक हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वार पूछा जाएगा तो ब्रिटिश की विजय हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था, मुडकी पंजाब में 1845 से 1846 तक चला हुआ था। सेकेंड एंग्लो सिख वार आपका 1848 से 1849 में चला, ब्रिटिश विजय हुई इसमें भी, ये भी आपका पंजाब में ही हुआ था। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स थे जिसमें से आपको एक दो कंफर्म पूछ लिए जाएंगे, ये एक नंबर का ही टॉपिक है, अगर इसको देखते हैं तो आपका एक नंबर जरूर पूछ लिया जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक देखा, अगर आपने यहाँ तक आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।